नमस्कार, स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। इस समय मैं खानपुर गांव में खड़ा हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मंदिर कमेटी के कुछ लोग हैं। ये बताइए यहां पर ये क्या हो रहा है फिलहाल? यहां फिलहाल इसकी नींव रखी गई जी मंदिर की। किस चीज़ का मंदिर बन रहा है यहां पे? यो यहां बनाओगे वट वृक्ष राधा कृष्ण अष्टभुज मंदिर। तो यहां पर नींव रखी गई जी? हां, यहां नींव रखी गई। प्रतिमा की स्थापना होगी जी? वो यहां होगी? यहां होगी जी। अच्छा, तो कब तक हो जाएगी? देखो जी, कल को चल रहे जी मिस्त्री, देख मिस्त्री से बात करें कल को। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, नक्शा बन रहा है जी? इसकी नाप तोल करिए जी हमने आज जमीन की। अच्छा, तो उसके बाद में कल को वो मिस्त्री के थोड़ा चले जितना बुलाए हैं। हुई जमीन ना कि ग्राम पंचायत की। ये मोल यहाँ पे बन रहा है? ये जमीन खरीदी है? खरीदी है। अच्छा, ये 6 लाख रुपए बीघा के हिसाब से जमीन खरीदी। पानी के लिए क्या व्यवस्था रहने वाली है? ये पानी यहाँ पर निकल रहा है जिसके लिए यहाँ पर सारी मारामारी है, भीड़ जो है पानी के लिए आ रही है। पानी के लिए, तो उस पानी की क्या व्यवस्था रहने वाली है? ये पानी कंटिन्यू चलता रहेगा? नहीं, उसके लिए नल रहेगा? नहीं, यही समरसेबल और टंकी टोटी रहने वाली। इनके नहाने के लिए वो बनाया जा रहा है बाथरूम। बाथरूम सामने बनेगा? हाँ। अच्छा, बाथरूम वगैरह औरतों का अलग और जेंट्स का। सच्चाई बताइए, यहाँ पर काफी लोग आ रहे हैं जी। इस घटना को 3 महीने से ज्यादा हो गए जी। 3 महीने से इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? मतलब ऐसा क्या खास है इस पानी में? आज तो आज ही लोगों को आज था, फिर इस बात है इसमें जो है कई मरीज ठीक हो रहे हैं जी, गारंटी से। शुगर का, लीवर का जो सारा सिस्टम, वो एलर्जी वगैरह, गैस, तेजाब टोटल समाप्त हो रहे। हम नहीं कह रहे, आप जो श्रद्धालु बाहर से उनसे मालूम करो। अच्छा, एक बात हो रहा है, आप इस कमेटी के मेन मुखिया व्यक्ति हैं आप लोग जी। आप लोगों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं जी, हमारे पास भी लोग फोन कर रहे हैं, कैंसर जैसी बीमारी है? नहीं नहीं जी, वो नहीं जी, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल 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 मंद हो। उसके लिए गुर्दे की वगैरह, टीबी की कोई इलाज नहीं है जी। अपंगता के लिए? हाँ हाँ, नहीं नहीं परेशान ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल गलत। शुगर का नु तो दर्द वाले भी सही हो रहे हैं जी, पर हम दवा नहीं कर रहे। मुरादाबाद से एक औरत आई थी जी परसों, उसका यह बयान था कि जिस रोज में आज मैं 3री बार आई, जिस टाइम मैं पहली बार आई थी मुझे 4 जनों ने उसमें गाड़ी में बैठाया था, और आज तीसरा मैं आज देखो खुद गाड़ी में बैठी। पूरी सच्चाई के साथ ये बताइए, जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं अपंगता के लिए, गूंगे बहरे का, वो उनके बारे में क्या? उसका यहाँ कोई इलाज नहीं है जी। कोई लंगड़ा हो या कोई इसके पैर खराब हो या कोई अपाज हो या कैंसर, उसका यहाँ कोई इलाज नहीं जी। मतलब परेशान ना हो? परेशान बिल्कुल ना हो। बहुत से आ रहे, उसका बच्चा अपाज है, माले 10 साल से वो चल नहीं पा रहा, उसको भी यहाँ लेकर आ रहे यहाँ। वो से कह रहे हैं? हाँ जी, वो यहाँ ठीक नहीं होने का। शुगर हो, दाद हो, खाज हो, एलर्जी हो, और जी पेट, मतलब कोई भी हो। देखिए, पूरी ईमानदारी से लोग बता रहे हैं कि कैंसर का कोई बीमार है। कोई आवे इतनी दूर से 1000-2000 रुपये लगा के वो यहाँ से आकर ठीक ना हो, उसमें हमारी भी यहाँ व्यवस्था खराब हो गया। फिर ये है जी सच्चाई यहाँ से। हाँ जी, हमारी मम्मी का शुगर था, बिल्कुल ठीक है जी। अब जब पूरी प्रमाणिकता से बता, प्रमाणिकता जी, रिपोर्ट रखी घर आओ।